जोजो किड्स। उदास राजा शेर। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास हैं। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। हाथी अपनी सूंड से तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन राजा को हंसी नहीं आती। फिर बंदर की बारी आती है। मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी। बंदर अपने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाता है, मगर वह भी हंसाने में नाकामयाब होता है। इसी तरह सभी जानवर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहां से हंसाएगी, जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी। तभी चींटी गुस्से में लाल होकर राजा के नजदीक आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने, आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गोरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या, ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं बल्कि वह टप्पा खाने लगा,
जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। भेड़े और सियार। एक दिन एक सियार जंगल से गुजर रहा था। उसने दो भेड़ों को जोर जोर से बातें करते हुए सुना। अरे भाई, क्या बात है? शायद इनके बीच झगड़ा होने वाला है, चलो देखता हूँ। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया और भेड़ों को लड़ते हुए देखने लगा। मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, समझी? मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से, यह मेरा इलाका है। तो चलो, इसका आज फैसला हो जाए। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ मैदान में। वाह, यह दोनों तो बहुत तगड़ी हैं। इनका झगड़ा देखने में मजा आएगा। मैं ताकतवर हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम हटो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं ताकतवर हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों भेड़ों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। उनके शरीर से लगातार खून तक बहने लगा। सियार ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। लगता है दोनों लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। मैं इन्हें अपना शिकार बना सकता हूँ। दोनों भेड़ों को लड़ता देख सियार लालच में आ चुका था। उन दोनों के बीच पड़कर एक एक कर दोनों को खा जाना चाहता था। सियार ने आओ देखा ना ताओ और भेड़ों पर टूट पड़ा। लेकिन दोनों भेड़े बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके कई दिनों तक खाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई। आ, 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 अरे छोड़ दो मुझे, मार ही डालोगी क्या? अरे छोड़ो, अरे आ, आ। दोनों भेड़े बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी, जिससे सियार वहीं ढेर हो गया। आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था, उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत ही आराम परस था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और घुल गया। अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे ये क्या, सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं, अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई गधे। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भी भार कम। अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला, तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सूझा। क्यों ना आज जान पूछ कर गिर जाऊं, काम से भी बच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो चुकी थी। व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा तो बोरियां और भारी हो गईं। यह देख गधा परेशान हो गया। अरे अरे, आज ये क्या हुआ, बोरियां इतनी भारी कैसे हो गईं? लगता है सेठ जी को मुझ पर शक हो गया है। बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, समझे? समझ गया सेठ जी, समझ गया। तोते के अंडे। एक समय की बात है,
तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते, उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है, लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा, हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है, मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा। एक बुद्धि मेंढक। जंगल के किनारे एक तालाब था, वहाँ बहुत छोटे बड़े मछलियाँ और मेंढक रहते थे। तालाब में दो बड़ी चतुर मछलियाँ थी, एक था सोना, दूसरी था रानी। सभी जल जीव अपनी समस्या लेकर उन्हीं के पास आते थे। एक दिन जंगल किनारे तालाब में मछलियाँ पकड़ने के इरादे से कुछ मछुआरे आए। एक ने कहा, अरे देखो यहाँ इस तालाब में तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। चलो इन्हें पकड़े। तुम ठीक कहते हो, यहाँ बहुत मछलियाँ हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए हमें एक बड़े जाल की जरूरत है। पहले हम अपना बड़ा जाल ले आते हैं, जिससे सभी मछलियाँ एक ही बार में हमारे जाल में फंस जाएंगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो जाल लेकर आते हैं। उनकी बातें वहीं बैठे तालाब के मेंढक ने अच्छी तरह से सुन ली थी। वह नहीं चाहता था कि सभी मछलियों को ये मछुआरे मार दें, इसीलिए वह ये खबर लेकर सोना और रानी मछली को बताने के लिए गया। मछली मछली सुनो, मैं अभी देखकर आ रहा हूँ, मछुआरे मछुआरे आकर तुम्हें अभी पकड़ लेंगे, कुछ ही देर में वो आते ही होंगे अपना बड़ा जाल लेकर। तुम बहुत डरपोक हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, इस तालाब में कोई नहीं आएगा। तुम हमें और बाकी मासूम मछलियों को डरा नहीं सकते, समझे मेंढक? मेरे होते हुए तालाब की किसी मछली को कुछ नहीं होगा, रानी मछली ने कहा। मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुना होगा, हम तो हमेशा सतर्क रहते हैं, हमारे रहते किसी मछली को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों मछलियों की बात सुनकर मेंढक कहता है, मैं मानता हूँ आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं, मगर मैं भी एक छोटी सी बुद्धि का स्वामी हूँ और मुझे अपने कानों पर भी पूरा भरोसा है। मैं अभी अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़कर जा रहा हूँ। मेंढक अपने परिवार को लेकर तालाब से बाहर निकल जाता है। मेंढक तालाब से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ अचानक मछुआरे वापस आ पहुँचे और उन्होंने अपना बड़ा सा जाल तालाब में डाल दिया। सभी मछलियों को सोना और रानी मछली के घमंड के कारण
अपनी जान देनी पड़ी और समझदारी के कारण मेंढक और उसका परिवार सुरक्षित हो गए। प्लीज सब्सक्राइब।